समृद्धि शुक्ला जी हेलो जा रही रूम में हो ना सुनो हाँ गौतम ही सब पूछ लो। अच्छा मैं क्या कर रहा था, घर में बहुत सारे मेंबर हैं, सबके पास दिमाग है लेकिन हर ताले का चाबी आपके पास ही क्यों है? ऐसा नहीं है, दिमाग सबके पास है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई एक जन जो है वो लीडर बन जाता है और वो करता है, और चाबी को आदत है अपने घर के सब कुछ संभालने की, तो वो यहाँ पर भी आकर जिम्मा उठा लेती है कि मैं रक्षम भैया को ढूंढूंगी। हो सकता है वो दिलासा भी देने की कोशिश हो लेकिन वो कोशिश करती है हमेशा कि हर काम में हेल्प करे। आपको कोशिश कामयाबी निकल जाता है, हर जो भी कोशिश करते हैं कामयाब होकर निकलते हैं? हर कोशिश कामयाब नहीं हुई है, ऐसा नहीं है लेकिन कोशिश करना ही अपने आप में किसी भी चीज़ के लिए कोशिश करना मतलब आप एक मौका दे रहे हैं खुद को दूसरों को कि ये जब आप कोई काम करेंगी तो आपको नहीं पता चलेगा उसका निर्णय क्या हो सकता है, लेकिन जब आप कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि आपको वो आपकी कोशिश नाकाम हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दोबारा उसके बाद फिर से कोशिश करेंगे तो आप नाकाम होते ही जाएंगे, हमेशा कभी ना कभी तो आप कामयाब होते ही। ये लाइफ में भी है और सावी भी ऐसी करती है, एक बार नहीं मिले रक्षम भैया, दो बार नहीं मिले, कोशिश करती रहेगी, वो हार नहीं मानेगी। देखा जाए तो इतने अच्छे अच्छे आप काम करते जा रहे थे, डाल मिया जो है नित्यम जो है आपके प्रतीक, इतने बड़े बड़े काम करिए, रक्षम खो गए आपके ढूंढने में मदद करा हो, सफलता भी पाओगे, इतना कुछ करने के बाद घर में इतने सारे टेंशन दूर करने के बाद कुछ पिघला आपके प्रतीक प्यार में या ऐसा ही है रुटली? उनके व्यवहार में मैंने चेंज तो देखा है, कुछ वक्त से एक सौम्यता आई है उनके अंदर, घर पे भी वो आए थे तभी भी उनके अंदर एक सॉफ्टनेस थी, समझ नहीं आ रहा है कि क्या है क्यों है किस लिए है, लेकिन अब मेरे कुछ भी सोचने से बेहतर है कि सामने वाला अगर कुछ कहे तो वो बात ठोस हो जाती है, वरना हम ख्यालों में शायद जी रहे होते हैं, तो एक बार वो सामने से कुछ कह दें कि उनके मन में कुछ है तब जाके यकीन करें। दिल से तसल्ली मिले। आखिरी सवाल ये है कि नित्यम रक्षम घर छोड़ जाता क्यों है शॉर्टकट में? बात ये है कि उन्हें पता चलता है उनके बर्थडे के दिन कि वो अडॉप्टेड है, और ये इतना बड़ा सच है कि किसी के लिए भी मुश्किल होता है, और ये एक ऐसा सच है जो आपके या तो हो सकता है वो इस बात को बेहतर लेते अगर माँ और वो सिर्फ बात कर रहे होते एक कमरे में बंद, उनको वक्त मिलता, लेकिन ये एक तमाशा बन गया एकदम उनके जन्मदिन के दिन जब वो खुश थे, एक अजीब तरह से वो चिट आती है, तमाशा हो जाता है, मीडिया है, सब लोग खबरें छाप रहे हैं, अब पूरी दुनिया को पता है, उनके पता चलने के साथ साथ अब दुनिया को भी उसी दिन पता चला है, तो इंसान बौखला ही जाएगा, इंसान सोचेगा ये मेरी रातों रात दुनिया बदल गई, तो उनका इस तरह से जो रिएक्ट करना है वो बहुत ज़्यादा। आखिरी में आपके इयर रिंग पर लिखा है कि इतने प्यारी चमक रहे, दूर से मैं बार बार नजर उसी पर जा रहे हैं। इयर रिंग पे देखिए क्या लिखा है, हमारे क्रिएटिव्स बड़े ही क्रिएटिव, क्या बात है, वो नंबर शिवाय, मतलब ये नई चीज, मुझे लगता है नया जो है ना ये बहुत चलने वाला है, जिस तरह ये दूर से अट्रैक्शन करे, मुझे बार बार इधर देखने में हाई क्या, आखिरी में मैं पूछ ही लिया आपको, कोई ना कोई धार्मिक चीज ही होती है इयर रिंग में, अगर आप देखें तो अभी तक फर्स्ट एपिसोड से लेकर मतलब सावी के लुक में जब कुर्ता पहनती है तो ऐसी तरह की इयर रिंग होती है, जैसे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ, कितना मतलब आप शिवाय पर भरोसा करते हो आप, देखा जाए बिल्कुल बिल्कुल भगवान पर भरोसा, और मतलब हर तरह के गॉड पर भरोसा, क्योंकि भगवान गॉड सब एक ही है, विश्वास होना चाहिए और एक बिलीफ होनी चाहिए खुद पे और भगवान पर। नहीं थैंक यू, इसलिए आपको पूछा, युवा लड़कियां हैं आज तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं सोचती है, लेकिन आपकी तरह मतलब है काफ़ी सारे कुछ है भी जो इस तरह के सोचती भी है, भगवान है तो माँ बाप है, माँ बाप है तो भगवान है। थैंक यू, आखिर में आपका पूरा नाम और टीवी से बॉलीवुड साबी जी। थैंक यू, मेरा नाम है समृद्धि शुक्ला और आप मुझे देख रहे हैं टीवी से बॉलीवुड पर। थैंक यू जी।